सभी साथियों का, शिक्षक साथियों का जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं और जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सबका रीड विथ ए टीचर के इस सत्र में स्वागत है। और हम लोग करीब करीब इस जर्नी के अब 20वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और करीब करीब 20 किताबें हमने अभी तक इस सत्र में डिस्कस कर लिया है। और शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए अलग अलग किताबों को लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम नए किताबों को पढ़ें, नए टीचर साथी के साथ पढ़ें और एजुकेशनल लिटरेचर को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, समझें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने टीचिंग लर्निंग का हिस्सा बनाएं। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और ये बेहद खास एपिसोड है इस सेंस में भी कि इस वक्त दिल्ली में हम लोग एक मेजर कैंपेन चला रहे हैं ताकि हम कैसे अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल पे पढ़ना लिखना सिखा पाए, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी उनको सिखा पाए। और इन्हीं सब से जुड़ा हुआ हमारे पास जो किताब है वो स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेगा। और किताब का नाम है आई रीड इट बट आई डोंट गेट इट। ये लाइन एक्चुअली हम सभी टीचर्स इससे रूबरू होते हैं जब हम क्लास में आते हैं। और इस किताब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जागृति जी हैं जो एक इंग्लिश की मेंटर टीचर हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे साथ श्री शैलेंद्र शर्मा सर हैं, एडवाइजर टू डायरेक्टर एजुकेशन। और आई फील कि सर का इस फील्ड से बहुत गहरा लगाव है कि कैसे बच्चे पढ़ना लिखना सीख पाए, एक लंबा एसोसिएशन सर का इस फील्ड से है। एंड हम लोगों ने मतलब बातचीत करके स्पेशली सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आपका जो इतना लंबा अनुभव है इस फील्ड में कि कैसे ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल पे बच्चे सीख पाए, पढ़ पाए, रिसर्च से आपका वास्ता रहा है, तो एक ओपनिंग रिमार्क आप हम लोगों को इस संदर्भ में जरूर दें ताकि हम और बेहतर करें और साथ में इस किताब को भी हम एक कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर आगे जागृति जी के साथ पढ़ सके। तो आई वेलकम जागृति जी, आई वेलकम श्री शैलेंद्र सर टू दिस रीड विद द टीचर। एंड पांडे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जो आप ही के एक तरीके से एप्रिसिएशन से हम लोग इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलन सर हम शुरुआत में आपसे ही शुरू करना चाहेंगे कि आपका जो इतना एक लंबा अनुभव है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि डायरेक्टली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जुड़ने से पहले भी आप इस फील्ड में लगातार जुड़े रहे हैं और मुझे लगता है 2 दशक से ज्यादा का आपका इस पर्टिकुलर फील्ड का अनुभव है। तो आप प्लीज रीडिंग स्ट्रेटजी के आसपास अपने विचार को हम सबके साथ साझा कीजिए। शैलन सर सबसे पहले धन्यवाद मुरारी आपको बहुत बहुत कि आज आप मुझे वापस मेरी जड़ों में ले जा रहे हैं। एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए बैठ आपने आमंत्रित किया है जाएंगे कोई जो सी पैर जो वाकई मेरे दिल के काफी करीब है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही और वो इसलिए कि आप सब लोग शिक्षक हैं, आप सब लोग टीचर हैं। मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा मेरा शिक्षा में कोई फॉर्मल डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, पर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया, और जो आपने अभी जिक्र किया मुरारी 2 दशक पुरानी बात, तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान है 2002 की बात है और यही गर्मियों का महीना रहा होगा। और हम नंद नगरी के इलाके में मैं प्रथम से जुड़ा हुआ रहा हूं और हम वहां पे समर कैंप लगा हुआ था और हम गए। एक बच्चा जो है वो लगातार समर कैंप में नहीं आ रहा था और उसको, उस बच्चे को वापस समर कैंप में बुलाने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए हम उसे ढूंढते हुए गए और हमने देखा कि उसकी बूढ़ी दादी जो है वो एक छोटा सा जो दुकान होती ना, कि दुकान भी क्या कहेंगे, कि जो घर के सामने कुछ बिस्किट और कुछ वो रख करके वो वहां पर लगा रखा था उन्होंने। और मैंने उनसे पूछा, देखा कि वो बच्चा बगल में उनके बैठा ही हुआ, मैंने कहा इसको आपने स्कूल, आप क्यों नहीं भेज रहे हो, ये समर कैंप चल रहा है स्कूल में। तो कहते कि वो स्कूल वहां जाके क्या करेगा। मैंने कहा क्यों, कहते वो उसे 4 साल से स्कूल, वो बच्चा चौथी या पांचवी में एक्चुअली पढ़ता था। उसने कहा कि ये इतने साल से तो स्कूल जा रहा है पर इसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं, तो मैं क्यों भेजूं अभी और टाइम वेस्ट करने के लिए, कम से कम यहाँ रहेगा, कुछ मदद कर देगा, मेरी 4 पैसे कमा लेंगे। तो
मैंने उनसे पूछा कि आपने आपको क्यों लगता है कि कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं। मैंने कहा आप कहाँ तक खुद पढ़ी हैं, आप ये बात जो कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं। कहते मैं कभी नहीं स्कूल नहीं गई, पर स्कूल हम भेजते किस लिए हैं बच्चों को, कि पढ़ना लिखना आ जाए, इसको नहीं आता पढ़ना। मैंने कहा आपको कैसे पता कि उसको पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने एक पुराना सा अखबार जिसमें वो लपेट करके जो भी सामान उमान है दिया करते हैं वो लपेट उन्होंने दिया और उस बच्चे को इधर आ पढ़ इसको, और वो बच्चा लेकर के ही वॉज स्ट्रगलिंग। उनका देखा तो वो बूढ़ी महिला जो है उन्होंने पहला इंडिकेटर जो मानक होता है ना अपने मेजरमेंट, वो उन्होंने प्रस्तुत किया उस दिन कि उनकी जो अपेक्षा है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हैं तो कम से कम वो आ करके कुछ तो पढ़ करके दिखाए। एंड देन शी वेंट अहेड एंड सेड एक्सप्लेन दिस कि एक बात बताओ भैया, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान लोग हो, अगर ये चार लाइन यहाँ नहीं पढ़ पाता तो इतना मोटा मोटा किताब कैसे पढ़ लेगा। उन्होंने अपने शब्दों में इस चीज को बताया एंड वो डायलॉग मेरे जहन में आज भी इंगित है कि एक महिला, हम बड़े कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार सब अटेंड करते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के प्रस्तुत करते थे अपनी बात कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट से अबिलिटी टू रीड कोड एंड डीकोड। एंड उस क्षण ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि एजुकेशन इज डेफिनेटली नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, आई एग्री, बट आई कैन नॉट विजुअलाइज एजुकेशन विदाउट रीडिंग ऑल्सो। एब्सोल्युटली, इट्स लाइक सेइंग द सेम थिंग, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, राइट, बट वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट ब्रीदिंग ऑल्सो। व्हाट अ वंडरफुल एनालॉजी सर, बहुत सुंदर एंड पावरफुल। तो ये जो बात है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस, बट दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेसिक्स। और मैं इस सेशन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस टॉपिक पर आज सेशन आयोजित किया। जागृति इज गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक जो क्रिस टावनी ने लिखी हुई है, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द पेजेस एंड इट रिमाइंडेड मी दोज पेजेस कि जो कन्वर्सेशन हमारे आपके बीच में, आप सब लोगों के बीच में, अगर याद होगा 2016-17 में जब हम लोग बात करते थे, रीडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च होते थे हुए थे या मिशन बुनियाद के संदर्भ में जो आपके साथ चर्चा होती थी, जो टीचर्स की आपके साथ चर्चा होती थी, बहुत लग रहा था जैसे ये हमारे ही संदर्भ की बात कह रही है। उनका संदर्भ बिल्कुल अलग है, I'm sure जागृति विल एक्सप्लेन दोस इन अ मोर डिटेल्ड मैनर, बट जो मुद्दे, जो सवाल हमारे जहन में कि भैया बच्चे को पढ़ नहीं रहा है, वो उसका ध्यान नहीं जा रहा, तो चार बार पढ़ो ना उसको, रिपीट करो बार बार। सो दीज आर द थिंग्स विच आर टॉक्ड अबाउट एंड नोबडी वॉज टेलिंग द राइट स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है टू गेट द राइट स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग। बहुत बार हम किसी चीज को पढ़ते हैं पर एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम बोर हो गए, हमने उसको किनारे कर दिया। मुझे ध्यान है कि प्रथम में ही जब हम लोग शुरुआती दिनों में काम करते थे तो एक प्रोग्राम चलता था लर्निंग टू रीड, जहां हम बच्चे को पढ़ना सिखाते थे, और जब बच्चा पढ़ना सीखता था तो हम लोग दूसरा प्रोग्राम चलता था रीडिंग टू लर्न। तो ये जो जर्नी थी लर्निंग टू रीड एंड रीडिंग टू लर्न, ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरती के साथ में चलते थे कि आप कैसे पढ़ना सीखते हो, पढ़ने में आप आनंद आता है, फिर आप पढ़ते हो सीखने के लिए, जानने के लिए, एंड टू एंजॉय। सो द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ओपन्स अप ओनली इफ यू understand and know the right strategy, and the role of teacher becomes very critical in that journey. मेरे ख्याल से आज भी एक बहुत खूबसूरत चर्चा इस पर होने वाली है, और मैं चंदन और बाकी सारी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये जो आप लोगों ने सीरीज शुरू की है रीड विथ अ टीचर, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली कम टूगेदर एंड रीड टूगेदर।
बिकॉज दिस इज फॉर अस ऑल्सो कि हम सीखें और फिर हम उसे वापस अपने बच्चों तक लेकर के जाएं. जो कल्चर हमने अपने अंदर नहीं डेवलप किया वो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं. सो एज अ रिजल्ट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम है, बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी है जो हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन टू एक्चुअली लर्न माई सेल्फ ऑल्सो कि वॉट आर दोज गुड स्ट्रेटजीज. बिकॉज आज हमें भी, हम जिस भूमिका में है, बहुत प्रकार के लिटरेचर हमारे पास आते हैं जी. वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट से लेकर के लीगल डॉक्यूमेंट, लिटरेचर, बहुत प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. बट आई थिंक द की इज टू बी एबल टू रीड, द की इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज एंड देन अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड. तो मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दिस सेशन टू अंडरस्टैंड, टू नो मोर एंड टू लर्न मोर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत शानदार तरीके से आपने रीडिंग स्ट्रेटजी की भूमिका को रेखांकित किया है. पिछले कुछ सालों से मैं कहूंगा कि मेरी एक समझ बनने लगी है कि हमारे यहाँ पूरे देश में जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो करीब करीब 100% है प्रारंभिक कक्षाओं में. और उसके बावजूद भी अगर हमारे बच्चे पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते हैं तो वो सीखने का अनुभव उनका खराब रहा है, या वही रीडिंग स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहा है, जिस जो एक मेरे ख्याल से बड़ी वजह रही है. ये वजह नहीं रही है कि उन्हें टीचर नहीं मिला या वो स्कूल नहीं आए. तो आपने बिल्कुल इसको रेखांकित किया, वो जो आप लोग रीडिंग टू लर्न एंड लर्निंग टू रीड की आपने बात की, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. हम लोग पहले वो स्ट्रेटजी खुद से सीखें एंड देन वी गो टू आवर टीचर्स, टू आवर स्टूडेंट्स. तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर इतनी खूबसूरती से इसको रेखांकित करने के लिए. अब मैं जागृति जी से चाहता हूं कि जागृति जी, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में. और इससे पहले कि हम किताब पे आए, ये सवाल मैं हमेशा अपने सभी रीडर्स से पूछता हूं कि 20 साल मेरे ख्याल से आपको भी हो गया होगा पढ़ाते हुए, तो इतने सालों से आप टीचर हैं और उसके बावजूद किताब पढ़ती रहती हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? तो थोड़ा सा इस रीडिंग के जर्नी के बारे में सबके साथ साझा करें. थैंक यू मुरारी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. सो रीडिंग की जर्नी, मतलब इट हैज नॉट बीन रेगुलर, जैसा कि बाकी प्रोग्राम में भी आपने सुना ही होगा. इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स. कई बार बहुत पढ़ाई में ही लगे रहे, कई बार बिल्कुल ही कोई भी किताब नहीं पढ़ी बहुत टाइम तक, ऐसा ही हुआ. तो बट माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ books is Russian folk tales book that I received as a gift from a baby show. So I was 3 years old when I got that book. It was a very beautifully illustrated Russian drawings thi aur Russian folk tales thi usme English mein translated. So I was not able to read it then. I read it when I was 7 or 8. So I imitated and drew the pictures that were there. So ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किताब कितनी अट्रैक्टिव लगती है बच्चों को. तो जैसा कि हम सब भी कोशिश करते हैं कि बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव किताब हम छोटे बच्चों को दें ताकि वो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एज पेरेंट्स भी हम सब यही कोशिश करते हैं. उसके बाद दूसरी जो मेमोरी मेरे दिमाग में आती है, और ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, बस जब आपने कहा कि ऐसा भी सोचना है तो मैंने सोचा कि अच्छा कौन सी किताबें थी जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट किया या खास करके हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आप टीचर बनने के बाद भी कैसे किताबें पढ़ती रहीं, जो खास करके आपके कोर्स से या टेक्स्ट बुक नहीं हो या सिलेबस का हिस्सा नहीं हो. सो अभी जो बात हो रही थी कि ये जो एजुकेशन लिटरेचर है, एकेडमिक रीडिंग के लिए पढ़ा बीएड के टाइम, डाइट किया मैंने 2 साल तब पढ़ा. बाकी 2010 में आई रिमेम्बर दैट आई बेसिकली स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर लाइक दिस एंड दैट वाज थ्रू ब्लॉग्स. एडुटोपिया की साइट मैंने तभी साइट डिस्कवर की और इस तरह, और धीरे धीरे करके जब ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि इस तरह की चीजें भी पढ़ी जा सकती हैं एंड दे एक्चुअली इंटरेस्टेड मी. तो एज एक आपका ही ब्लॉग है जैसे, मेंटरशिप ज्वाइन किया हमने तो 2016 में आई गॉट टू नो अबाउट यू दैट एक लर्निंग मैनेजर है मुरारी जी एंड ही राइट्स बाय द नेम ऑफ रिफ्लेक्टिव डायरी. तो फिर उसके बाद 2 आर्टिकल भी लिख दिए मैंने. अरे सो आई हैव बीन रिफ्लेक्टिंग ऑन माय प्रैक्टिसेस सिंस लॉन्ग.
तो एक लॉग बुक की तरह मैं अपने पास रखती थी और वो सब रिफ्लेक्शन जो था वो इन्हीं रीडिंग से, जो ब्लॉग्स मैंने रीड किए ना, इंटरनेशनल ब्लॉग्स भी, एक रूम 213 करके एक ब्लॉगर है, एक द कल्ट ऑफ पेडागोजी करके है, सो आई हैव बीन रीडिंग देम. और फिर मेंटरशिप में आने के बाद तो मतलब दिस काइंड ऑफ लिटरेचर इट वॉज अ रिक्वायरमेंट टू बी इन मेंटरशिप. इफ यू कुड नॉट कीप योरसेल्फ अपडेटेड तो आप चेंज ला ही नहीं पाओगे. राइट. सो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ लिटरेचर इट एक्चुअली स्टार्टेड इंटेंसिफाइड व्हेन आई बिकेम अ मेंटर. वंडरफुल. तो आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई. एक की ब्लॉग्स की बड़ी भूमिका है, जो लोग मतलब पढ़ने को अपना आदत बनाना चाहते हैं तो वो अपने साथ दिलचस्पी के हिसाब से टॉपिक्स वहां मिल जाता है और अलग अलग जोन राज की चीजें, तो आई थिंक वो शायद हुक करता है. नहीं, एंड इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि मेंटर टीचर प्रोग्राम हर व्यक्ति को लगातार कुछ ना कुछ करते रहने के लिए समवेयर वो स्टिमुलस पैदा करता रहता है कि यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू रीड समथिंग. नहीं, तो वो 2016 से आपका वो एक एसोसिएशन रहा है, वो उसकी भी बड़ी भूमिका रही. वेरी इंटरेस्टिंग. दिस रीडिंग इज व्हाट ट्रांसलेट्स इनटू योर राइटिंग. सो वी नीड टू नो एंड वी राइट टू बी नोन. सो व्हाटएवर वी हैव रेड इट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड एंड इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन आवर राइटिंग. तो वो सबको पता लगे, दैट इज हाउ अ रिफ्लेक्टिव राइटिंग शुड बी. एंड दिस बुक इज आल्सो दैट अबाउट दैट ओनली. Absolutely. तो आपके ऊपर एक और एक तरीके से जिम्मेदारी मैं कहूंगा, आप लिखती भी रही हैं. सेलिन सर ने जैसा कि कहा कि हमारे टीचर्स लिखें, किताबें आए, दो राइटर्स का उन्होंने जिक्र भी किया अभी अभी, ये एक तो सवाली का ही जी और लूसी क्रेहान का. तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद नेक्स्ट ईयर तक आप भी कोई किताब ऐसी लिखें जिसको हम लोग ऐसे ही बैठ करके डिस्कस करें. जागृति जी, अब हम लोग जागृति का एक आर्टिकल है, I'm sure बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने पिछले साल लिखा था द न्यू लेसन प्लान. जी जी. तो और जिसने अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़े. जो इस प्रकार के रिफ्लेक्शंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो सकते हैं. उसी को अगर बहुत कायदे से कंपाइल करके लिखा जाए तो एक किताब भी लिखी जा सकती है. इससे पहले भी सर एक फर्स्ट आर्टिकल शैलेंद्र सर ने थोड़ा सा कहा था लिखने को अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, वो भी है इंडियन एक्सप्रेस में. इट इज स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टीचर्स. आई हैव फॉरगॉटन द टाइटल माइसेल्फ. जागृति जी, आप उसका लिंक एक बार फिर से हम सबके साथ साझा कीजिएगा. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ें. और अब मैं चाहूंगा कि आप किताब पे हम लोग आ जाते हैं, एक आप ब्रीफ दीजिए. और उससे पहले जो हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे भी देख रहे हैं, तो कुछ आज चूंकि हम लोग रीडिंग स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, तो एक काम सबके लिए है कि आप अपने पास, अगर आपके पास कॉपी पेन है या मोबाइल है, तो कुछ जैसे ही जागृति जी कुछ बताती है या पैराग्राफ पढ़ती है तो आप देखिए कि कुछ मैं इसी किताब से वो पढ़ रहा हूँ. दिस रिमाइंड मी ऑफ, आई वंडर, आई इन्फर, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, आई एम कंफ्यूज बिकॉज, आई विल हेल्प माई सेल्फ बाय, द पिक्चर इन माई हेड लुक्स लाइक, आई थिंक दिस मीन्स. तो इस तरीके के पॉपअप्स अगर आपके दिमाग में आता है आप कहीं लिख लीजिए बाद में जाकर, जिसे हम पूछ सकते हैं. जैसे ही उन्होंने कोई पैराग्राफ पढ़ा तो वो पैराग्राफ सुनकर आपको कैसा लगा, लाइक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ या आई इन्फर. तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे बताए गए हैं. सो वी कम टू दिस जागृति जी, तो एक बार एक मतलब ब्रीफ दे दीजिए कि लाइक व्हाट द बुक इज अबाउट और हम उसमें क्या सब बातचीत करने वाले हैं, और उसके बाद हम उसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे. रिफ्लेक्टिव बुक है जैसा कि मैंने पहले ही कहा. क्लासरूम एक्सपीरियंसेस और प्रोसीजर्स बहुत ही डिटेल में समझाए गए हैं. एंड क्रिस्टोवानी बीइंग अ टीचर हरसेल्फ एंड अ टीचर ट्रेनर आल्सो शी हैज बीन अ स्टाफ ट्रेनर, जहाँ पे वो रीडिंग स्किल्स और कॉन्वर्सेशन एंड थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी काफी उन्होंने लिखा हुआ है. एक और टाइटल है उनका, हेल्पिंग फेक रीडर्स बिकम प्रोफिशिएंट लाइफ लॉन्ग रीडर्स. नाउ फेक रीडर्स, ये टर्म अपने आप में इतनी नई तो नहीं कहेंगे, ये समझने में मुझे आसानी हुई ये किताब पढ़ने के बाद. व्हाट इज दिस फेक रीडिंग.
and it is also the first chapter of the book. Mm-hmm. The title is Fake Reading. Mm. Also, the structure of the book is so important. ये आगे बताया भी है क्रिस ने कि आइडेंटिफाई करना स्ट्रक्चर को, जो भी आप चीज रीड कर रहे हो उसका अगर आप स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसका मतलब यू हैव गॉटन इनटू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें ये हर चैप्टर को एक कोट से स्टार्ट करती है और कोट भी किसी और का नहीं, उनकी क्लास के बच्चे का. अच्छा. सो शी स्टार्ट्स इट विद द कोट एंड देन there is an anecdote illustrating a problem that she has faced in her classroom. Right. And then there are and those scenarios. वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा connected feel करते हैं क्योंकि वो जब समझाया जा रहा है ना क्लास में क्या चल रहा है तो वहाँ आपको एकदम से connect होता है कि अरे ये तो मेरी क्लास में भी होता है. And this problem, how does she find a solution to it? वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो हमें उस चैप्टर में समझ आता है. तो she has targeted each problem through a student quote, then anecdote, and then at the end she also gives what works. Right. So she illustrates the problem, and then she points out what are the things that can be done, and finally giving it what works. तो वो जो है वो हमारे लिए एक तरह से मैनुअल का काम कर सकती है. But taking this book as only a manual for strategies of reading, that won't be as efficient or effective. Right. इस बुक को पढ़ते पढ़ते समझना और कनेक्ट बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ी समस्या हमारे क्लासरूम में होता है कि जिन बच्चों को पढ़ना भी आता है वो पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, या उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, या उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. और इनफैक्ट ये समस्या बड़े लोगों को भी की भी है. मुझे लगता है कि बड़े लोग जो पढ़ना छोड़ देते हैं उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि उन्हें किताबें पढ़नी तो आती है लेकिन वो उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, या पढ़ने का जो मजा है वो नहीं उठा पाते हैं पढ़ते हुए. तो इन सवालों को सेंटर में रखते हुए मुझे लगता है जो क्रिस टोवानी है उन्होंने पूरा एक डिस्कशन किया है. और उन तमाम सवालों को कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं या डिफरेंट वॉइसेज आने लगे, तो उस वक्त मैं कैसे पढ़ाई को मतलब बरकरार रख सकता हूँ, छोड़ू नहीं, या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ उससे रिलेट करके बहुत दुखी हो गए और फिर मुझे लगता है कि नहीं पढ़ू. जैसा कि उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ते हुए ब्लैक एंड व्हाइट का, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है कि कैसे ब्लैक्स के खिलाफ ऑपरेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और बच्चा चूंकि व्हाइट है तो उसे लग रहा है कि यार हमने तो नहीं किया लेकिन फिर भी हमें रेसियल के रूप में देखा जाता है. तो ऐसे कंफ्यूजन या ऐसे डायलेमा जब बच्चे फेस करते हैं कुछ चीजों को पढ़ते हुए, तो वहां पे कैसे इंटरफेयर किया जा सकता है. तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम सवालों का को उन्होंने डील किया है वन बाय वन. और बाद में जो लास्ट सेक्शन है किताब का उसमें तो पूरा प्रॉपर उन्होंने एक टू डू लिस्ट टाइप का दिया हुआ है कि हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम. और मैं खास करके आपसे जब बात हो रही थी जागृति जी, आप बता रही थी कि इंग्लिश के क्लासेस में तो आप लोग ये करती भी हैं, सोशल साइंसेज की क्लासेस में ये सब चीज़ें एकदम एबसेंट होता है और वहाँ पे रीडिंग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है कि हम उसको उसका कैसे इस्तेमाल कर सके. तो अब आप उनके जो तमाम स्ट्रेटजीज हैं उसमें से जिससे भी आप चाहें शुरुआत करना, जो जो लगता है कि दिस इज समथिंग विच वी ऑल फेस इन आवर क्लासरूम, जो हम सभी फेस करते हैं उदाहरणों के साथ, पैराग्राफ्स के साथ. जी जागृति. उससे पहले और एक ये बात, जैसे हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो टाइटल से हम स्टार्ट करते हैं. तो टाइटल इंग्लिश में तो हम काफी बार यही करते हैं कि टाइटल बच्चों के सामने रख लिया एंड वी आस्क देम टू प्रेडिक्ट. So prediction is one of the strategies that helps you get interested in what you are about to read. So this book ka hi title, jaise hum lein, I read it but I don't get it. So title jab maine padha, jab aapne mujhe actually to tell everyone, Murari suggested the book. So title padhte hi mujhe ye ekdam connect hua Chunauti 2016 se. Right. Ki wo jo 9th ke bacche jinko hum target kar rahe the, they were going through this situation only. मैनी ऑफ देम, सम ऑफ देम कुड नॉट रीड एट ऑल, बट बहुत सारे ऐसे भी थे कि पढ़ भी रहे थे लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे थे.
तो एक स्ट्रेटेजी इन्होंने जैसे प्रेडिक्शन की दी है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है कि हमारे पास वॉइसेस होती हैं, इनर वॉइसेस जो कि हमारे दिमाग में चलती रहती हैं. तो शी आस्क्ड दैट वी नीड टू थिंक व्हाइल रीडिंग. उसको एक सिंपल टास्क की तरह नहीं करना है हमें. वी नीड टू सी व्हाट वी आर थिंकिंग. इसको विजिबल थिंकिंग करके आपने अगर जॉन हैटी का नाम सुना होगा, जॉन हैटी भी विजिबल थिंकिंग करके एक बहुत ही अच्छी बुक है उनकी, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा. उसमें भी काफी स्ट्रेटेजीज हैं. सो दिस इज ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स कि थिंकिंग भी हमें अपने आप में वो प्रोसीजर की तरह दिखती रहनी चाहिए जब हम पढ़ रहे. सो देर आर द स्टेप्स गिवन टू दिस कि व्हेन यू गेट स्टक तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर वर्ड तो आपको क्या करना है, क्योंकि वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग का. आपके सोशल साइंस में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि जब उन्होंने इंग्लिश में पढ़े होते हैं तो कुछ और मतलब होता है उनका, और जब वो सोशल साइंस में पढ़ रहे होते हैं तो उसका कुछ और मतलब निकल के आ रहा होता है. एंड द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड देयर, राइट? सो दे बेसिकली स्टॉप रीडिंग इट देयर. सो हाउ टू गो अबाउट सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी, उसके बारे में भी बातचीत हुई है. और ये जो आप विजुअल इमेज की आपने बात बताई, तो आई रिमेम्बर पैराग्राफ फ्रॉम द बुक ओनली, जहाँ पे एक बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ रहा है और वो कुछ समझ नहीं रहा है, काफी बोर हो जाता है और बंद कर देता है. तो फिर जब वो एज ए रीडिंग स्पेशलिस्ट उसको हेल्प करती हैं, वो बच्चे को कहती हैं कि तुम ठीक है, इसको बंद करो, तुमने कोई लड़ाई से संबंधित कोई फिल्में देखी है? तो बच्चा कहता है हाँ, हमने फिल्में तो देखी है. तो फिर वो इस तरीके के सवालों के जरिए कि फिल्म में क्या देखा है, किस तरीके की लड़ाई होती है, क्यों होती है, किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से फिर बच्चा को लगा कि अच्छा, वो लड़ाई तो ऐसी ही होती होगी जैसे हमने फिल्म में देखी है. और एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करती है वो बातचीत करके, एंड देन सी ब्रिंग्स द चाइल्ड बैक टू उस रीडिंग को. और फिर कहती है कि तब वो बच्चा एक तरीके से रिलेट करके या विजुअलाइज करके पढ़ना शुरू करता है और उसको दिलचस्पी भी आने लगती है उसमें. और यही इन्होंने कनेक्शंस के बारे में कि कनेक्ट, आपको कनेक्शन बनाना है जो आप पढ़ रहे हो उससे. तो जैसे वॉर्स की बात हुई तो एक और एग्जांपल हमारा, जैसे हम एन फ्रैंक्स डायरी पढ़ाते हैं बच्चों को इंग्लिश में. सो उसकी एक एंट्री है हमारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की, प्लस स्टूडेंट्स हैव रेड अबाउट द नाजिज्म एंड ऑल ऑफ इट इन देयर सोशल साइंस बुक आल्सो ग्रेड 9. Right. तो उन दोनों चीजों को कनेक्ट करना, ये एज टीचर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है. बच्चे को ये समझाना कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो आइसोलेशन नहीं है, और एसएसटी पढ़ रहे हैं तो वो भी आइसोलेशन में नहीं है. राइट. एन फ्रैंक की डायरी को पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में आता है कि हाउ इट इज टू बी इन दैट एरा. कैसा लगता होगा, उनकी एज की बच्ची है वो, तो कैसा उसे फील होता होगा उस टाइम. Right. इस तरह के जो कनेक्शंस हैं, ये बच्चों की रीडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलने में बहुत हेल्प करते हैं. एंड दैट बीइंग सेड, अभी हमने जो कुछ दिन पहले द वाइल्ड पे चर्चा की थी, उसमें उस टीचर ने जो है बाकायदा बच्चों को इनकरेज किया हुआ है कि जो कुछ भी आपके मन में आता है पढ़ करके आप उसको ड्रॉ कीजिए. और मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे यहाँ पर चीजें थोड़ी और तरीके से कन्वे की जाती है कि अगर बच्चा स्क्रिबल कर रहा है या कुछ ड्रॉ कर रहा है तो उसको तुरंत एप्रिहेंड किया जाता है, मना किया जाता है. तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा मोर कॉन्शियसली एफर्ट करने होंगे कि हम वो मौके दें अपने बच्चों को. हाँ, मौके भी दें. और एक्चुअली तो क्रिस हेयर स्टेट्स इट वेरी क्लियरली दैट यू नीड टू मॉडल दीज प्रैक्टिसेस. She says कि आप एक पैराग्राफ क्लास में पढ़ रहे हैं, आप वापस चॉकबोर्ड पे जाएं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको एज इट इज चॉकबोर्ड पे कोट करें. जो भी वॉर वाला इंस्टेंस बताया मुरारी ने, ये उसी के बारे में था. शी और एक स्लेवरी के बारे में था. सो एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू हर माइंड, शी रीड्स अ पैराग्राफ फ्रॉम अ टेक्स्ट अ नॉवेल एंड शी गोज बैक. जी. She turns to the chalkboard and writes everything that comes to her mind. So what comes to her mind is ki start to wo text se kar rahi hai sochna, but wo gradually dheere dheere unki apni life se connect hota chala gaya. Aur ye black lives matter aur ye wala jo cheeze hain and how whites are made responsible and she is not feeling good about it, wo sab unhone chalkboard pe likha.
तो बच्चे उससे कैसे कनेक्ट, उन्हें ये समझ में आए कि एवरी वन हैज देयर व्यूज व्हाइल रीडिंग एंड इट इज गुड टू रिकॉग्नाइज दोज थिंकिंग वॉइसेस एंड नोट देम डाउन एज एनेक्डोट्स अलोंग विद द टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग। एक चीज इसपे मुझे पूछना था मुरारी जी, जी जब आप अभी अभी पिछले पार्ट में चर्चा कर रहे थे, ऐसा भी तमाम बार होता है जैसे हम बच्चों को बार बार बोला जाता है ना कि ध्यान से पढ़ो। तो हम पढ़ तो रहे हैं, ये अपने साथ में भी कभी होता है कि हमने पूरा दो तीन पेज पढ़ गए बट पढ़ तो रहे थे बट ध्यान कहीं और पे था, तो लिहाजा सडनली समझ में आया कि अच्छा यहाँ तक पहुंच गए, पढ़ क्या रहे थे, तो उस पीछे जाना होता है जहां से हमारा ध्यान भटका था उस चीज को, उस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसके बारे में क्रिस क्या बोलती हैं कि मतलब ऐसी स्टेज आई एम श्योर बहुत बार बच्चों के साथ में भी होती होगी, उस पे उस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, और टू व्हाट एक्सटेंट आपको लगता है कि जो हमारी क्लासेस जो हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं, खासतौर से जो माइंडफुलनेस हम लोग उस पे एम्फोसाइज कर रहे हैं बच्चों के पे, वो किस हद तक कारगर हो सकता है? वेरी नाइस जागृति जी, मेरे ख्याल से डेफिनेटली क्रिश ने इस बारे में बताया है, आप अगर इसके बारे में शेयर करना चाहें। हाँ, एक वी रीड का भी यहाँ पे बहुत फोकस किया गया है कि वी रीड करवा तो लेते हैं बच्चों, जैसे सर कह रहे हैं कि वो री रीड क्यों करना पड़ता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और वही ये भी वहीं से निकल कर आ रहा है, जो हमारी वॉइसेस हैं, जो हमारी थिंकिंग वॉइसेस हैं, वो भी कई इन्होंने बताया चार तरह की थिंकिंग वॉइसेस हैं हमारी। एक होती है रिसाइटिंग वॉइस, जो हम सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं पढ़ते हुए, जो हमें समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। एक है हमारी कॉन्वर्सेशन वॉइस, वेयर वी कनेक्ट विद द टेक्स्ट एंड वी आर एक्चुअली काइंड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ऑथर, राइट। एक इंटरेक्टिंग वॉइस है इसी तरह की, और एक डिस्ट्रैक्टिंग वॉइस, जो अभी सर ने कहा कि बीच में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कहीं और पहुंच, या हम भी एज एडल्ट्स ऑल्सो, राइट। सो दिस वॉइस डिस्ट्रैक्ट्स अस, सो ये हमें वहां से हटा देती है जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ता है और वापस पढ़ना पड़ता है। तो ये री रीडिंग जब हम बच्चों को बोल देते हैं कि ध्यान से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, हम उन्हें ये नहीं बता रहे होते कि कैसे पढ़ना है, वी आर नॉट एक्चुअली टेलिंग देम द वेज दैट दे नीड टू रीड द टेक्स्ट। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अनकॉन्शियसली अगर पढ़ते जा रहे हैं तो वो रीडिंग आपको समझ नहीं आएगी, आपको वापस वहां जाना पड़ेगा और फिर से अपनी थिंकिंग जो आपकी है वो उसके साथ लेके चलनी पड़ेगी। और सर जो आपने पूछा उसके लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा टूल टाइप का डिजाइन किया हुआ है कि जब भी कोई कुछ पढ़ रहा है तो कुछ सवाल अगर उनके दिमाग में रहता है, जो मैंने शुरू में पढ़ा था कि दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, वो कहीं बगल में मतलब डबल एंट्री उन्होंने नाम दिया हुआ है किसी चीज को पढ़ते हुए, तो वो एक साइड में इन इन एक्चुअली सवालों को वो लिख के रखा सकता है, लिख के रख सकता है जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है कि दिस रिमाइंड मी ऑफ, या आई वंडर, या आई इन्फर, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, आई एम कंफ्यूज बिकॉज, कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आई विल हेल्प माई सेल्फ बाय द पिक्चर इन माई हेड लुक्स लाइक आई थिंक दिस मीन्स। तो पढ़ते टाइम जब कोई बच्चा इन टूल्स की मदद से, और खास करके अगर वो लेजर रीडिंग नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी चीजों को पढ़ रहा है, सोशल साइंस है या साइंस है या इंग्लिश लिटरेचर है जहाँ समझ बनाना जरूरी है, तब अगर वो इन टूल्स का मदद लेता है तो ये जो प्रॉब्लम है भटक जाने से उससे बार बार वो वापस आ सकता है। इसका उन्होंने काफी विस्तार से जिक्र किया है और चैप्टर 5 में पूरा एक दिया हुआ उन्होंने, फिक्स इट की जो शुरुआत है उसमें ल्यूक एक ग्रेड 9 का बच्चा है, वो कह रहा है कि व्हेन आई गेट स्टक आई क्विट रीडिंग, और इस पूरे चैप्टर का ही नाम उन्होंने दिया है फिक्स इट। तो ये पूरा चैप्टर अपने आप में इस चीज की बात करता है कि कौन कौन से वो तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हम बच्चे को दोबारा वहां पर लाए, और सर ने जिस चीज का जिक्र किया तो ये चीज अक्सर लोग फिल्म देखते वक्त भी करते हैं, आजकल जो नेटफ्लिक्स और दूसरे यू नो ओटीटीज का जमाना है, तो लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो दे गो बैक एंड वहां से देखना शुरू करते हैं जहां से लगता है कि यार अच्छा कुछ छूट गया या कुछ मिसिंग सा है। सो व्हाई कांट वी हैव दिस मोमेंट व्हाइल रीडिंग अ बुक, वी डेफिनेटली शुड हैव दिस मोमेंट एज वेल, राइट राइट एब्सोल्युटली।
आई थिंक जागृति जी थोड़ा सा मॉडलिंग पे और बताइए कि इसके ऊपर बहुत फोकस है. वो कह रहे हैं कि जो भी चीज हम बच्चों को रीडिंग स्ट्रेटजी के रूप में बताना चाह रहे हैं उसका हम क्लास में मॉडलिंग करके दिखाएं, टीचर हूबहू वैसा करके दिखाएं करें, और तभी जा करके वो बच्चे एक्चुअली समझ पाते हैं. उस पे थोड़ा सा और मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए. एक के पेज 27 पे स्टार्ट करती हैं वो. सबसे पहले मेंटल मॉडलिंग इज एन इवन बेटर वे टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ गुड रीडर्स कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट when teachers make invisible mental processes visible they arm young readers with powerful weapons. So this is about the instance that I was already discussing about ki padhte padhte jo bhi dimag mein aa raha hai it is not about being right or wrong. Unke dimag mein jo bhi aaya unhone wo padha text aur saath ke saath chalkboard pe anecdote ki tarah likh diya jo ki hum मार्जिन्स में भी काम करते हैं. जब कई बार हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम मार्जिन्स में कुछ मार्किंग्स करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें करते हैं. तो मार्किंग्स को लेके भी उन्होंने एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी दी हुई है, हाउ यू शुड मार्क टेस्ट टेक्स्ट. तो जो इम्पोर्टेंट है उसको कैसे मार्क करना है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट हो रहा है राइट. आप और जो आपको नहीं समझ आ रहा है वहां क्वेश्चन मार्क लगाना है. तो इस तरह की चीजें जो है इन्फेरेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. बट अब ये जो मॉडलिंग को लेकर है, मॉडलिंग से ही रिलेटेड एक इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन कंस्ट्रक्टर करके एक्सेस टूल बताया है. जो आप जैसे बता रहे थे डबल एंट्री डायरीज बताई थी, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन कंस्ट्रक्टर. इसमें क्या है कि बच्चों को जो भी स्ट्रैटेजीज है, सिर्फ एक नहीं दो तीन स्ट्रैटेजीज एक बार में यूज करने की जरूरत होती है ताकि बेटर कॉम्प्रिहेंशन. राइट. तो उसके लिए उन्होंने मॉडलिंग बताई है कि आपको किस तरह से काम करना है. इसके लिए आपको एंटीसिपेट करना पड़ेगा. राइट. सो यू कैन ओनली एंटीसिपेट समथिंग व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग द टेक्स्ट. सो यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट फर्स्ट. और ये नहीं कि मैंने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है तो मैं क्यों पढ़ू दोबारा, ये लेसन तो मुझे याद है. सो एवरी टाइम यू आर गोइंग इनटू द क्लासरूम और यू आर प्लानिंग or making a new lesson plan, you need to go through the text again and anticipate according to the students that you are going to teach. कि किस तरह के questions आ सकते हैं या किस तरह के question बच्चों के दिमाग में आने चाहिए ताकि वो comprehension और understanding की तरफ बढ़े. Right. Questioning को भी कैसे importance दी जाए as a tool to understand the text. तो मैं यहाँ जागृति जी एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ. इसी जब मॉडलिंग करते हैं टीचर उसके बाद रीडिंग पे किस तरीके का असर पड़ता है, पेज नंबर 73 पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इनिशियली स्टूडेंट्स कनेक्शन विल बी सुपरफिशियल बट विद टीचर मॉडलिंग एंड प्रैक्टिस दे विल बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड विल बी एबल टू गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑन द पेज. मेकिंग कनेक्शंस हेल्प्स रीडर्स. किन किन चीजों में हेल्प करता है, रिलेट टू कैरेक्टर्स. They understand how characters are feeling and the motivation behind their actions. Readers also learn about themselves and can ponder how they might react in a similar situation. जैसा कि वो river वाले उसमें है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताएंगे कि कैसे river runs through जो एक lesson है जो उसको पढ़ाते हुए teacher किस तरीके से बच्चों से बातचीत करती है relating to the character के संदर्भ में. दूसरा है कि visualize कर पाना कि they have a clear picture in their head as they read. They are more engaged and thus have a tendency to continue reading. Avoid boredom. They will be less likely to become bored while reading. The reading will be more enjoyable. Pay attention. They have a purpose for reading which keeps their mind from wandering. Listen to others. They are curious to see how other readers are connecting to the text. They become more interested in others' opinion. And read actively. They are forced to do more than bark at print. They become actively involved in the reading. और इसके बाद दो और इन्होंने बताया है. Remember what they read. They tend to remember what it is they are reading because the reading has become personalized. And last में ask questions. Questions often lead to inferences. तो modeling करने के बाद जब बच्चा मतलब teacher जब modeling करके दिखाता है और उसके बाद जब बच्चा मतलब पढ़ता है तो इस तमाम चीजों के साथ वो एक तरीके से
मीनिंगफुली रीड कर पाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पे अटेंशन वाला लिखा हुआ है कि दे हैव ए पर्पस फॉर रीडिंग, तो इसका एक बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट मैंने 9th 10th क्लास के बच्चों के साथ किया था कि, और ये मैंने सीखा था टॉफल एग्जाम देते हुए। वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि आप इस पैराग्राफ में एक सेंटेंस देते हैं कहाँ पे फिट कर पाओगे, अब उसको पढ़ने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है, या सीक्वेंसिंग में 4 लाइन देते हैं कि इसके क्या सीक्वेंसेज होंगे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। तो कुल मिला के वो इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन होता है कि किसी को एकदम मतलब पूरा अटेंशन दे करके पढ़ना होता है। तो मैंने 9th 10th के बच्चों के साथ ये किया था कि पूरे के पूरे किसी चैप्टर को, मान लीजिए 20 पेज का चैप्टर होता था, ऐसे ही क्वेश्चंस में बदल दिया कि एक पेज में कोई एक पैराग्राफ है और उसमें से मैंने कि आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट आर द 3 इन्फ्रेंसेज, और उसमें 5 ऑप्शंस दे दिया। अब बच्चा बहुत अटेंटिवली उसको पढ़ रहा है और 3 इन्फ्रेंसेज निकालने के लिए, या किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ही एक पेज का पैराग्राफ है कि उसमें मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस किया कि इसको हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं, और उसी पैराग्राफ में 3-4 जगह मार्क कर दिया कि यहाँ या यहाँ या यहाँ, बहुत अटेंटिवली फिर बच्चा उसको पढ़ रहा है। तो वो जो मतलब रीडिंग विथ पर्पस इस तरीके से एनग्रॉस कर देता था, तो मैंने देखा कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक बच्चा ऐसे मतलब सर नहीं उठाता था, वो इस तरीके से उसको पढ़ने में लगा हुआ रहता था। तो तमाम स्ट्रेटजी इसमें भी सुझाए गए हैं और हम लोग भी अपने अपने क्लास में इसको करते रहते हैं। जागृति जी, ये जो टेक्स्ट टू सेल्फ और टेक्स्ट टू टेक्स्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बाकी शैलेन सर, आप जब भी चाहें कुछ इसमें ऐड करना या कुछ पूछना तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। और पांडे सर, आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप जब भी चाहें कुछ हम लोगों के साथ साझा करना तो प्लीज आप आइए और साझा कीजिए। नहीं मुरारी, मैंने अभी सुना है और कुछ चीजों को हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। अभी हम लोग कुछ एक बैच गया था कश्मीर, उसमें चंदन भी साथ में था, तो वहाँ रीडिंग का वीक होता है और उसमें बच्चों को ना बोला जाता है कि अगर जो चीज आप पढ़े हैं वो या तो आप उसको लिखें क्या समझ में आई है, दूसरा या अगर नहीं लिख सकते हैं तो ड्राइंग भी करें और आपका कार्ड बना रहेगा कि क्या समझ में आया, जो अगर राइटिंग ठीक नहीं है। और दूसरी चीज है कि आपको पढ़ते समय अगर आपको कुछ और चीजें आ रही हैं, सोच रहे हैं कि कोई और चीजों को, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें। और मुझे याद है कि एक बहुत अच्छा है, उसको नाम ही दे दिया गया था गालिब, उस लड़के का नाम गालिब था और वो बहुत अच्छा शायरी करता था। तो मैंने उसको साइड से पूछा कि आपको इस तरह से कैसे शौक पड़ा, तो बोला क्या कि जब हम रीडिंग कर रहे थे ना तो कुछ कुछ ऐसे शब्द आते थे तो उसको हम नोट डाउन कर लेते थे और फिर हम बाद में उस पर कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिए कि ये इस पर ये बनता है, और वो अच्छा सा वो शायरी लिखना शुरू कर दिया था। वो पढ़ते पढ़ते वो जो शब्द आते थे कुछ ऐसे, और उस पर से वो अपना शायरी लिखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे ढंग से उसका बोलने का भी अंदाज। तो हमने वहां भी देखा है और इस चीज को हम भी चाह रहे हैं कि अपने लाइब्रेरी में जो एक रीडिंग का जो ये होता है, हमारा पीरियड होता है, वहां पढ़ के इस तरह चीजों को लाएं कि वो जो भी चीज आप समझ पाए हैं उसको एक नोट डाउन कर लें। और वो लोग इधर उधर नहीं रखते थे, उसी किताब में वो रख देते थे एक पेज बनाकर कि ये हमने नोट डाउन किया और ये हमें समझ में आ रहे हैं, ताकि वो टीचर्स भी देखे उनको जो भी समझ में आ रहा है, और या फिर वो कार्ड बनाकर दे देता था कि ये किताब हमने पढ़ा और इसमें से हम ये ड्रॉ करके आए। तो ये हम रीडिंग को एक इस तरह का अगर हम लाइब्रेरी में ला पाए अपने यहाँ तो एक बहुत अच्छी चीज होगी जो कि आज हो रही है। थैंक यू, और इसको कंटिन्यू। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जागृति जी, हाँ, तो ये टेक्स्ट टू रीडर कनेक्शंस हैं, ये वी हैव बीन यूजिंग दिस इन आवर इंग्लिश क्लासरूम। तो 3 तरह से कनेक्शन बनाता है बच्चा, टेक्स्ट टू सेल्फ, टेक्स्ट टू द वर्ल्ड, एंड देन टेक्स्ट टू टेक्स्ट। सो ये 3 तरह के कनेक्शंस कैसे बनते हैं उसका थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। इन्होंने ये स्पेशली बॉक्स में डाला हुआ है, टेक्स्ट टू सेल्फ कनेक्शंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर्स एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। द मोर एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज अ रीडर हैज अबाउट अ टॉपिक द इजियर द मटीरियल इज टू रीड। तो कई बार जो हम
अपनी प्रीवियस नॉलेज या प्रायर नॉलेज की बात करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज की बात करते हैं, तो ये उसी नॉलेज से कैसे कनेक्ट करता है, किन तीन लेवल्स पे बच्चा या कोई भी रीडर कनेक्ट करता है टेक्स्ट के साथ। दूसरा है इसमें टेक्स्ट टू द वर्ल्ड। एक बात जागृति, इस वाले पार्ट पर मुझे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये हमने देखा कि जब हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे थे मिशन बुनियाद में, तो हम ये पा रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं तीसरी चौथी पांचवीं छठवीं तक में भी, उनके साथ हमें बहुत जल्दी से हम लोग मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता था। बट जैसे ही हम थोड़े बड़े बच्चों पर जा रहे थे, सातवीं के बच्चे आठवीं के बच्चे, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता था, बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता था। अब ये बात जो अभी आपने बताई कि अगर बच्चे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, भले वो टेक्सचुअल चीजें न पढ़ पाए बट उसके आसपास के एक्सपीरियंसेस, उसकी वोकैबुलरी तो वो बिल्ड हो ही चुकी होती, तो ऐसी स्थिति में तो उसको ज्यादा जल्दी पढ़ना सीखना चाहिए। फिर मसला कहाँ पे आकर के अटकता है, इसके बारे में कुछ कहीं इस किताब में कुछ जिक्र है या शेयर करना चाहिए? वही जो कनेक्शन है, वही जो बनाना है, हम किस तरह का टेक्स्ट बच्चे को किस तरह के टेक्स्ट से एक्सपोज कर रहे हैं, क्या उसके सामने रख रहे हैं। बच्चा कई बार बुक्स देखकर ही उसे ये लगता है कि ये मेरे लेवल की बुक्स नहीं है, ये तो बच्चों के लेवल की बुक्स है। तो इस तरह का टेक्स्ट इंग्लिश में भी समटाइम्स वी यूज ऑथेंटिक टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंशन और मटीरियल। सो दिस मटीरियल इज अ मेन्यू फ्रॉम अ रेस्टोरेंट और अ रेलवे टिकट और समवेयर समथिंग दैट द चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस्ड इन रियल लाइफ, उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, किसी खाने की चीज का लेबल। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बच्चों को रीडिंग से और ज्यादा, यही जो टेक्स्ट टू सेल्फ वाला कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन वहां पे थोड़ा जल्दी बनता है। और स्टोरीज भी जिनमें बच्चों के खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे अभी मैंने एन फ्रैंक की डायरी का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरह के कुछ चैप्टर्स हैं हमारी इंग्लिश की बुक में जो कि उसी एज ग्रुप से डील कर रहे हैं, अडोलेसेंस से, और जो हमारे 9-10 के बच्चे हैं उन्हीं से रिलेट करते हुए चैप्टर्स हैं। तो वो स्टोरीज बच्चों को जल्दी समझ में आती हैं, उनको कॉम्प्रीहेंड भी जल्दी कर पाते हैं। एक लिटिल गर्ल करके एक स्टोरी है, वहां पे बच्ची और उसके फादर का रिलेशनशिप बताया गया है एंड शी इज द सेम एज एज आवर स्टूडेंट्स, तो उससे बहुत जल्दी बच्चे रिलेट करते हैं। तो ये वही वाली बात है कि बच्चा टेक्स्ट से कितना रिलेट कर पा रहा है खुद को, कितना वो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। सर का जो सवाल था बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे पढ़ते हुए इस सवाल का कोई सीधा सीधा आंसर इस वाले किताब में नहीं मिला था, लेकिन सर दो एपिसोड पहले हम लोगों ने एक किताब पढ़ी थी दीवार के उपयोग और कुछ अन्य लेख, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के डिफरेंट लेख का कलेक्शन था। वहाँ एडल्ट लोगों में जो लिटरेसी का सवाल है या वो कैसे सीखें लिखना पढ़ना, उस पर काफ़ी दो तीन चार लेख था। वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझने को मिला, और हम ये रियलाइज भी करते हैं खासकर के आठवीं नौवीं क्लास के बच्चों को जब हम पढ़ना लिखाना सिखाते रहते हैं, कि चूंकि उनका सोशलाइजेशन हो चुका है, एक वो समाज के एक्टिव मेंबर है, तो नहीं पढ़ना आता है कि साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो टीचर के आंखों में या उनके हाव भाव में अगर पढ़ाने के साथ साथ ये भी आ जाता है कि देखो इसे तो पढ़ना भी नहीं आता है, इतना बड़ा हो गया, तो वो कहते हैं कि वो बहुत क्रिटिकल होता है, वहां वो बच्चा टूट जाता है और वो एक तरीके से रिवोल्ट करता है कि मुझे नहीं सीखना है, मैं नहीं स्कूल आऊंगा, वो आना कम कर देता है, या आता भी है तो वो एक तरीके से उसका रेसिस्टेंस होता है टीचर के इस एटीट्यूड का कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो कि इसे पढ़ना भी नहीं आता है तो मैं और नहीं सीखूंगा। I found it very interesting कि ऐसा सही में होता है बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के लिए मसला नहीं है जो अभी सीख ही रहे हैं, उनके लिए वैलिड ही है, वो उस प्रोसेस में ही है, लेकिन बड़े बच्चे जिनके लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि इन्हें तो आ ही जाना चाहिए था और अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो उनके लिए एक मान अपमान सेल्फ ईगो इन तमाम बातों का ये मसला हो जाता है। जी सर, यानी अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो रीडिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है सेल्फ एस्टीम से भी। एब्सोल्युटली, ये आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और वो फिर आपकी और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप
पढ़ पा रहे हो तो शायद और ज्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करोगे और चीजों को और आगे लेकर चलो। इस पे मुझे ध्यान में आ रहा है कि 2010 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन बिठाया था अबाउट अपॉन डिक्लाइनिंग लिटरेसी लेवल ऑफ बॉयज विजावी गर्ल्स। अब उसका एक जेंडर पहलू लेकर के एंड वन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दैट कमीशन वाज, इत्तेफाक से मैं उन दिनों वहां पर था तो वो रिपोर्ट को मैंने देख पाया था एंड वन ऑफ द फाइंडिंग वाज कि एक तो जो टेक्स्ट जो जागृति अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी उस टेक्स्ट के साथ रिलेट कर पाना, तो उन्होंने अर्ली क्लासेस की जब टेक्स्ट उठाई कहानी की किताबें तो बहुत फेरी टेल टाइप की कहानियां उसमें थी। And this was the finding of the commission. We may agree or disagree, but their finding was that boys were unable to relate with that story. Girls could. और on the con, तो उन्होंने recommend किया कि इसमें और mix प्रकार की, जैसे science fiction से related, उस तरीके की भी कहानियां और कॉन्टेक्स्ट लेकर के आना है। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव टेक्स्ट जहां पे एक फेरी फैंसी चीज को ना हट करके हमें इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट आल्सो कि जो बहुत बहुत कनेक्ट अपना जिस प्रकार के खेल बच्चे खेल रहे हैं उससे जुड़े हुए टेक्स्ट होने चाहिए वहां पर। तो टेक्स्ट का अप्रोप्रिएशन की किस प्रकार के किस स्टेज पर कौन सा टेक्स्ट, तो वो अर्ली लिटरेसी से लेकर के आप लेटर लिटरेसी तक की अगर आप जाएं You'll find कि टेक्स्ट का प्रोग्रेशन होना चाहिए कि वो उसके सामने उसके कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और शायद हम वो पेस नहीं मेंटेन कर पाते। तो अब आप बच्चा आगे चला गया है और उसको आप छोटे बच्चों वाली चीजें देंगे तो वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर बच्चा भी छोटे उम्र का है और उसको आप बड़े चीजों का दे रहे हो जिसके जिसपे बहुत सारे एक्सपीरियंस उस पे जुड़ने होते हैं तो उसके साथ ना कनेक्ट कर पाए तो शायद ये एक मसला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस फील्ड में हमारे स्कूलों के साथ रूम टू रीड भी काम कर रहा है तो उन्होंने बहुत इस बात को ध्यान में रख करके फेज वाइज किताबें डेवलप की हुई है और मुझे लगता है कि जो आपने कहा ये दोनों ही चीज, एक की हम बड़े बच्चों के सेल्फ स्टीम को भी ध्यान में रखें पूरा कि उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं कि अभी पढ़ना भी नहीं आ रहा है, और दूसरा कि उसके एप्रोप्रिएट लेवल का टेक्स्ट भी लेकर के जाएं उनके पास तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव। और सर ने जो कहा है वो चैप्टर 6 जो है दैट इज कनेक्टिंग द न्यू टू द नोन, उसमें कुछ उन्होंने तरीके बताए लाइक ब्लरिंग बाउंड्रीज, दिस इज लैंग्वेज आर्ट्स, हु केयर अबाउट सोशल स्टडीज, पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर एक चीज है जिसमें टेक्स्ट टू द रीडर कनेक्शन की बात की गई है, फिर बट आई डोंट हैव एनी कनेक्शंस, अ क्लासरूम एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है जिसमें एक एनेक्डोट शेयर किया गया है एंड हाउ डज इट हेल्प मी। ये काफी एक मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि जो उसमें उन्होंने कुछ एक बताए हैं कि मेकिंग कनेक्शन हेल्प्स रीडर दैट इज रिलेट टू कैरेक्टर, विजुअलाइज, अवॉइड बोर्डम, पे अटेंशन, लिसन टू अदर, रीड एक्टिवली, रिमेंबर व्हाट दे रीड एंड आस्क क्वेश्चंस। ये 8 तरीके उन्होंने बताए हैं जिसमें हम अपने रीडर को कनेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। और एक चीज यहाँ ये भी कहते हैं कि कनेक्शन कैन रिपेयर कंफ्यूजन, तो वो जो अक्सर बच्चों में आ जाती है कि जब वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है, लेकिन अगर बीइंग अ फैसिलिटेटर हम वहां पर वो कनेक्ट एस्टैब्लिश करवा पाए तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा और उसका कंफ्यूजन कम होता चला है। Absolutely. Very nice. जागृति जी, आप किताब पढ़ते हुए I'm sure आपने बहुत सारे पैराग्राफ्स को अंडरलाइन किया होगा कि this is something which I want to share, which I want to read. क्योंकि हम लोग अब टाइम भी लाइक 8 बजने वाले हैं, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक या दो पैराग्राफ ऐसा जरूर पढ़ें जो आपको लगता है कि नहीं ये तो पढ़ना ही था, ये नहीं छूटना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीजें छूट जाती है जो हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम हम रखते हैं प्रोग्राम का। द पर्पस इज कि हम पूरा बताएं भी नहीं ताकि जो हमारे साथी हैं वो पढ़ें किताब को, हम ये चाहते हैं, हम सब कुछ बता देना नहीं चाहते हैं बेसिकली। जी तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वी शुड नॉट मेक दिस एन इंस्ट्रक्शनल सेशन और अ वे टू गेट स्ट्रेटजीज इजीली। सब लोग जाके बुक पढ़े, ये पर्पस था इस सेशन का। तो पूरे पूरे पैराग्राफ्स तो नहीं पर बहुत अच्छी अच्छी कोट्स हैं बीच में जो मैं पढ़ना चाहूंगी। जी जी, एक है पेज नंबर 19 पे, डॉगमेटिक रीडिंग फिलॉसफीज प्रमोट इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्स टीचर्स टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्राम्स रादर देन द चाइल्ड।
तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हम बच्चे को समझना कितना जरूरी है, कि बच्चे की जरूरत क्या है. हम प्रोग्राम्स या कंटेंट पे इतना ध्यान दे देते हैं कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है या क्या क्या उसका इंटरेस्ट है. सबको एक तरह से ही पढ़ाना, एक ही चीज पढ़ाना, क्या हर किसी को उसकी जरूरत महसूस हो रही है. जो हमारा पहला चैप्टर भी है कि पर्पसेस ऑफ रीडिंग, सेकंड चैप्टर पर्पसेस ऑफ रीडिंग. तो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट पर्पस टू रीड. वो पर्पस बच्चा खुद से आइडेंटिफाई कर पाता है तब वो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो वो पर्पस समझ में आना, कैसे समझना है उस पर्पस को, ये स्ट्रेटजीज भी इस बुक में आपको मिलेंगी. तो वो बहुत जरूरी है कि हम उन्हें पढ़ें और आगे ट्रांसफर करें अपने बच्चों को. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने कहा कि बच्चे को मतलब पढ़ाना है, ना कि जो प्रोग्राम है या जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड है उसको पढ़ाना है. उससे कितना फर्क पड़ जाता होगा. नहीं, टीचर अगर बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके डिस्पोजिशंस को समझने लगे एंड अकॉर्डिंगली वो उसको बताएं कि क्या उनको पढ़ना है, जिसका अभी जिक्र सर भी कर रहे थे, किस लेवल के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब के टेक्स्ट को अगर हम लाए, नो कि ये टेक्स्ट है और ये तुम्हें पढ़ना ही है. तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. So one more is there. Hmm. It is everyone's responsibility to teach students how to read. Hmm. And आवाज. Oh sorry sorry. Unmute कर लीजिए एक बार. अपन में आपको म्यूट हो गई आप. अच्छा. हाँ हाँ. That's okay. Yeah. So ये बता रहे हैं कि it is everyone's responsibility to teach students how to read. एवरीवन से ये हमारा, जो हम ये सुनते भी हैं अब मिशन बुनियाद में भी हमें सुनने को मिल रहा है कि मैं साइंस की टीचर हूँ मैं क्यों हिंदी पढ़ाऊँ, या मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ मैं क्यों हिंदी पढ़ाऊँ. सो हिंदी इज टेकन एज हिंदी, नॉट एज अ लैंग्वेज दैट इज गिविंग एक्सेस टू द चाइल्ड टू द टेक्स्ट बुक्स एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. मतलब हम शिकायत तो कर रहे थे अभी तक कि बच्चा अभी हिंदी पढ़ना नहीं जानता, साइंस कहाँ से समझ में आएगी. तो जब शिकायत करने की बात होती थी तब तो ऐसे बोल देते हैं हम आसानी से, लेकिन जब अब मौका मिल रहा है एक्चुअली हिंदी पे काम करने का तो हम वहां पे अपना सब्जेक्ट लेके आ रहे. तो ये उस रिलेशन में मुझे काफी रिलेटेबल लगी चीज. और एक ऐसा ही सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और कोट है, बट आई थिंक टाइम हमारा 8 हो गया. आई वुड फाइनली If the last quote that Chris Tovani writes in the last chapter at the end of the book, so main padhti hu thoda sa. Let's all comprehend the meaning. So middle and high school literacy instruction is at a crossroads. Tomorrow's citizens face greater reading demands than ever before. The written word is no longer restricted to paper form. Right. Children of all ages are being bombarded with information from the internet and other electronic forms of print. Right. The e-generation needs to comprehend more than ever before. Readers of tomorrow must do more than memorize words. They must be prepared to analyze, validate, and ask the next logical question. Fantastic. They have to know how to think. And debates about literacy instruction rage on. The battles for greater student literacy must be fought in classrooms and can be only be won by teachers, administrators, and parents who understand the complexities of reading. So we need to understand our own journey. कि मैंने reading की journey कैसे तय की, कहां मैं अटकी, कैसे मैंने उसको पार किया, उस ब्रिज को क्रॉस किया, उसको समझना, उस प्रोसीजर को समझना और बच्चों को वो प्रोसीजर समझाना. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अ टीचर रादर देन. सो इट इज अगेन इट कम्स टू मॉडलिंग. राइट. सो आई नीड टू शो, आई डोंट नीड टू टेल. थैंक यू सो मच. Fantastic, fantastic. तो मैंने भी एक आइडेंटिफाई किया हुआ है, एक पैराग्राफ आपने जो पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत जरूरी है कि चूंकि इतने सारे मटेरियल्स से कम अक्रॉस करते हैं बच्चे, उसमें इन्फेरेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसको पढ़ रहे हैं उसको कैसे वो समझ सकते हैं. उसके लिए कुछ उन्होंने लिखा हुआ है. दिस इज ऑन पेज नंबर 105.
teach students how to infer. I teach my students four concrete steps that encourage text-bound readers to move beyond the words. So ye four steps main padh deta hu. The first is ask yourself a question. Wonder about something in the text. Example, what happened to boy? I never knew your name. Okay, the next is, matlab kaise hum infer kar sakte hain? To pehla tha ask yourself a question. Dusra hai consider textual evidence left by the author that may represent important clues. Example, he is always alone, he is on the roof frequently, an ambulance comes at night, people say, what is him? Ye example de rahi hain jiska zikr paragraphs mein kiya gaya hai kitab mein. Teesra, think about what you know about the evidence. What does your background knowledge tell you about these clues? Example, often lonely people feel sad, the roof is a dangerous place. Ye fir se example de rahi hain jiska inhone zikr kiya hai isse pehle. And the next is using the clue in the text and your background knowledge about the topic. Try to answer the original questions. Example, the boy killed himself by jumping off the roof. So, ye char tarike ye bata rahi hain jiske zariye hum asani se infer kar sakte hain cheezon ko. And in the last, ek bahut interesting isi mein line tha ki kai baar teacher kehte hain. खैर छोटे क्लासेज में तो नहीं लेकिन बड़े क्लासेज में कि रीड बिटवीन द लाइंस. तो बच्चा आंसर देता है कि बिटवीन द लाइंस में तो सिर्फ वाइट स्पेस है, इसमें क्या आप क्या पढ़ सकते हैं. तो वहाँ पे वो अप्रोप्रिएट करती हैं कि कैसे कई तरीके के जो फ्रेजेज हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है बच्चों के लिए उसका कोई मतलब नहीं हो, या बच्चे को वही लगे कि बिटवीन द लाइन में तो वाइट मतलब पैचेज है, उसमें क्या पढ़ना है. तो आई मीन उसका मीनिंग बताना, जो हम कहते हैं या जो हम स्ट्रेटजी बताते हैं उसको करके दिखाना, देन इट मेक्स सेंस. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक आई विल से. हम एक चीज और बता देना चाहते हैं हमारे जो सभी साथी हैं कि जो राइटर हैं लगातार लिख रही हैं, यंग हैं, टीचर हैं, ट्विटर पे एक्टिव हैं, आप पढ़ते हुए उनसे कुछ पूछना चाहें तो आप उनसे पूछ सकती हैं, वो आपको जवाब देंगी. आई थिंक @ सी टोवानी उनका ट्विटर हैंडल है. हमने कोशिश की थी कि वो आ पाए लेकिन बहुत देर से कोशिश की और आज अभी इस वक्त उनका वर्किंग है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई हमें. समटाइम लेटर में भी. तो आप लोग जरूर इस किताब को पढ़िए और जैसा कि सर ने शुरुआत में अपील किया कि हम सभी लोग इन किताबों को पढ़ें और एजुकेशन लिटरेचर अपना फील्ड रिफ्लेक्शन किताबों की स्कूल बच्चे टीचर किताब इन सब की दुनिया के आसपास नई कहानियों को भी बुने और किताबों को भी लिखे. ये सब भी हम आगे टाइम आने वाले टाइम में करें. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. सर आप कुछ एंड में अगर जोड़ना चाहें. शालिन सर. नहीं थैंक यू. बहुत बहुत रोचक डिस्कशन रहा, बहुत कुछ मुझे समझने और जानने का मौका मिला. एंड आई एम श्योर इसी तरीके से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. अगले एपिसोड का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरा. थैंक यू वेरी मच सर. आपके प्रेजेंस से एकदम चार चांद लग जाता है. आई थिंक पांडे सर कुछ कहना चाह रहे हैं. पांडे सर मैं तो हमेशा जुड़ा रहता हूं आप लोगों से और पांडे सर 360 डिग्री का टर्न ले रहे हैं जहां पे भी हैं. अच्छा जी. तो सबका बहुत अचानक नेटवर्क चला जाता है बीच में. तो हमेशा आप लोगों के साथ और मैंने भी ये ऑफर दिया है मुरारी जी को कि मैं भी